दोस्तों, आप लोगों ने बॉलीवुड की कई सारी फेमस मूवी देखे होंगे जिनमें कुछ अनबिलीवेबल स्टंट और कुछ ऐसे सीन देखने को मिलती है जिसे देखने के बाद यह यकीन ही नहीं होता है कि क्या असल में कोई ऐसा भी सीन होता है जिसे कि रियल में VFX और CGI की हेल्प से बनाया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फेमस मूवी के बिहाइंड द सीन को देखने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, KGF चैप्टर 2 मूवी साउथ के उन मूवी में से एक है जो कि अपने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई के लिए जानी जाती है। इस फिल्म में हमें एक्शन के साथ साथ कुछ ऐसे स्टंट सीन को दिखाया गया था जो कि इस फिल्म को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसे कि मूवी में जब रॉकी दुबई से आता है तब वो अपने साथ बहुत सारे कैलाश्निकोव गन को लेकर आता है ताकि वो उसकी हेल्प से अधीरा से लड़ सके, और ये उसी समय का बिहाइंड द सीन है। आप यहां देख सकते हैं ऊपर से जब रॉकी के लोग कैलाश्निकोव गन को फायर करना शुरू करते हैं तब नीचे मौजूद अधीरा के सभी आदमी एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं, और मूवी के इस क्लाइमेक्स वाले सीन को कुछ इस प्रकार से शूट किया गया था। इसके बाद जब CBI रॉकी के ठिकाने पर छापा मारते समय उसके एक सोने के बिस्कुट को ले जाती है तब रॉकी उस बिस्किट को लेने के लिए सीधा CBI के स्पेशल ब्रांच में आ जाता है, और यह उसी समय का शूटिंग वीडियो है। यहाँ पर रॉकी दुस्का गन को फिट करता है और उस ऑफिस पर फायरिंग करने लगता है, और आप यहाँ इसके शूटिंग के समय फिल्म मेकर को उस गन को सेट करते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों ने RRR मूवी को देखा होगा तो आप सभी को इसमें दिखाया गया ब्रिटिश पुलिस स्टेशन तो याद ही होगा जिसमें रामचरण पुलिस ऑफिसर के गेटअप में होते हैं। लेकिन आप सभी को यह जान के हैरानी होगी, इस पुलिस स्टेशन को VFX की मदद से बनाई गई थी। और वही दूसरी ओर जब NTR टाइगर से लड़ते हैं तो उसमें टाइगर रियल नहीं होती है बल्कि एक्चुअल में उस टाइगर चेजिंग सीन को बनाते समय एक ब्लू कलर के कपड़े को पहने आदमी के साथ इस सीन की शूटिंग की गई थी, और फिर बाद में उसे CGI की हेल्प से एक रियल टाइगर में बदल दिया गया था। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ऋतिक रोशन की क्रिश 3 मूवी तो जरूर देखा होगा क्योंकि ये हमारी इंडिया की सुपर हीरो मूवी में से एक है, और इस मूवी में भी हमें कई सारे अनबिलीवेबल स्टंट और एक्शन सीन देखने को मिली थी जिसे देखने के बाद हमें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होती है। लेकिन इन सीन को भी बाकी मूवी के तरह ही CGI की हेल्प से बनाई गई थी। जैसे कि आप लोगों को मूवी का यह वाला सीन तो जरूर याद होगा जिसमें क्रिस एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर से जंप करता है, और आपको बता दे कि इस सीन को भी CGI की मदद से एक स्टूडियो में बनाया गया था जिसे कि फिर बाद में इसे एक बिल्डिंग के ऊपर रिप्लेस कर दिया गया था, और मूवी के अंदर यह सीन देखने में कुछ इस प्रकार से लगती है। दोस्तों, अगर हम हॉलीवुड मूवी की बात करें तो आप लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी को तो जरूर देखा होगा जिसके हर करेक्टर देखने में बिल्कुल रियल लगती है, और तो और इसमें डायनासोर को देखने के बाद आप सभी को यही ख्याल आता होगा कि यह तो पक्का रियल ही होगी। लेकिन जब आप इसका रियलिटी को जानोगे तो आप पक्का सोच में पड़ जाओगे क्योंकि इसे देखने के बाद आप सभी को यही ख्याल होगा कि अब तक हम जिसे रियल समझ रहे थे वो तो VFX और CGI जैसे तकनीकों से बनाई जाती थी। और तो और दोस्तों, जुरासिक वर्ल्ड के सभी मूवी में डायनासोर को CGI की मदद से बनाई जाती थी जिसे देखकर हर कोई यही कहेगा कि ये तो सच में रियल डायनासोर है। जैसे कि जुरासिक पार्क मूवी के इस सीन में एक लड़की भाग रही है और उसके पीछे एक डायनासोर पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप इस सीन को रियल में देखोगे तो आप पक्का सोच में पड़ जाओगे क्योंकि मूवी के इस सीन को रियल में CGI की मदद से बनाया गया था जिसे कि देखने में यह बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यह एक नकली डायनासोर है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी तो जरूर देखा होगा जो कि साल 2022 की सबसे सुपरहिट मूवी थी जो कि इसमें अल्लू अर्जुन पुष्पा के किरदार में नजर आए थे, और इस मूवी में हमें कई सारे स्टंट सीन देखने को मिलती है जो कि देखने में काफी खतरनाक लगती है। जैसे कि अगर हम इस मूवी के ट्रक वाले स्टंट सीन की बात करें जिसमें अल्लू अर्जुन जंगल से चंदन की लकड़ी को लेकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है जिसके बाद वो इससे बचने के लिए उस भरी ट्रक को गड्ढा में गिरा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस स्टंट के पीछे की सच्चाई को जानकर चौंक जाओगे क्योंकि इस सीन को बनाने के लिए नकली ट्रक का यूज किया गया था जो कि फोम और CGI की हेल्प से क्रिएट की गई थी, और आप इसके कुछ बिहाइंड द सीन को यहां देख सकते हैं। लेकिन जब आप इस सीन को मूवी में देखेंगे तो ये देखने में बिल्कुल रियल लगती है।
इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं एसएस राजामौली द्वारा निर्मित मूवी बाहुबली की, जिसके दोनों ही पार्ट इंडियन बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था और यह इसके साथ ही इंडियन सिनेमा की टॉप क्रॉसिंग मूवी भी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों इस मूवी में भी हमें कुछ ऐसे खतरनाक सीन देखने को मिलती है जिसे देखकर यह यकीन ही नहीं होता है कि क्या असल में कोई ऐसे भी जगह होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे बिहार सीन को दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप सभी को यह विश्वास ही नहीं होगा कि इस सीन को VFX की मदद से शूट किया गया था। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा होगा तो आप सभी को इसका माउंटेन हिल वाला सीन तो जरूर याद होगा, जिसमें प्रभास तमन्ना को देखने के बाद एक हिल से दूसरे हिल पर छलांग लगाते हैं। लेकिन आप सभी को यह जान के हैरानी होगी, इसमें दिखाया गया यह माउंटेन नकली है, जिसे कि रामोजी फिल्म सिटी के अंदर छोटे मोटे पत्थरों की मदद से पानी के बरसा करके बनाया गया था और इसे बनाने में CGI और VFX का भी एक अहम योगदान है और आप इसके कुछ बिहाइंड द सीन को यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों यह थी फेमस बॉलीवुड और साउथ मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन और इसका कुछ शूटिंग लोकेशन। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।